जय जगन्नाथ। गौरी किचन को आपण को स्वागत। आग को चितालागी अमावास्या आसुची। चितालागी अमावास्या रे चितो पिठा तयारी करी घरे घरे आमे समस्ते ठाकुर को भोग लगे थाउ। एही चितो पिठा आम ओडिशा रा ट्रेडिशनल पिठा। आमे विभिन्न प्रकार चितो पिठा घरे तयारी करी खाई थांती। मु आज तीन प्रकार चितो पिठा तयारी करी देखेबी। आमर चितो पिठाटी किपरि अधिक स्पंजी जालीदार नरम और टेस्टी हबो सेतिपई पूरा परफेक्ट भागमाप सह केतोटी टिप्स आपणक पाखरे शेयर करबि जहा फळरे आमर चितो पिठा पूरा स्पंजी टेस्टी बनिबो। सेतिपई भिडियोटी को पूरा प्रथमर शेष जाय देखंतु। मोर यूट्यूब चैनल को जदि सब्सक्राइब करना तबे प्लीज सब्सक्राइब करनी। बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाद्वारा नुआ नुआ रेसीपी नोटिफिकेशन आपण तुरंत पहुँची पार। रेसीपिटी किपर लगला कमेंट बॉक्स रे आपणकर मतामत जनवा को अनुरोध। आसतु एवं तीन प्रकार चितो पिठा तैयारी करवा। चितो पिठा को साधारणतः समस्ते चाउल रे तैयारी करि थांती। आमे किंतु आज चाउल देबा संगे संगे सामान्य बिरी देबा। सामान्य बिरी देबा फल रे चितो पिठा मोर पूरा तुला परी नरम ओ जालीदार स्पंजी तैयारी होई पारिबो। मु एही कप रे 2 कप अरुआ चाउल नेछि। एही 2 कप अरुआ चाउल पाखा पाखी 400 ग्राम हेबो। 400 ग्राम अरुआ चाउल रे एही छोटो चम्मच रे आमे 2 चम्मच बिरी देबा। एबे चाउल को पानी दे दुई थर सफा करी धोई दबा। धोई सारला परे आउ थरे सफा पानी दे कभर दे दबा ओ 6-7 घंटा बीचे की रखिबा। 6 घंटा परे आमे चाउल को छानी रखिचे। चाउल देखंतु पूरा केते बड़ बड़ होई जाई छी फुलीकी। एही कप रे आमे 2 कप चाउल नैथिले तापई आमे 4 कप नडिया कोरा नबा। नडिया कोरा दे चितो पिठा तयारी कले चितो पिठाटी अधिक स्पंजी सह बहुत टेस्टी होइथाय। एबे गोटे ग्राइंडर जार नबा। ग्राइंडर जारे 2-3 मीठा चाउल दबा। 2-3 मीठा चाउल दे सरला परे आमे किछि नडिया दबा। नडिया दे सरला परे टिके पानी दे ग्राइंडर जार बंद करी गोटे स्मूथ पेस्ट तयारी करबा। चितो ब्याटटी एतिके स्मूथ होबा दरकार। टिके बहलिया अछि। एबे आमे कभर दे 7-8 घंटा रखि दबा। पाखा पाखी 8 घंटा होइ गलानी कभर खोली देखिबा। देखंतु आमर ब्याटरटी पूरा बढ़िया भाव में परफेक्ट हो जाइछि फुली जाइछि। एहिपरि आपण ओवर नाइट रखिले भी बहुत आहुरी बढ़िया भाव में फुलिबो। ब्याटरे एबे आमे टिके आवश्यक परिमाण रे उषुम पानी दबा। उषुम पानी दबा फल रे आमर चितो पिठाटी अधिक नरम ओ स्पंजी होइथाय। एबे आमे भल भाव रे मिक्स करि दबा। ब्याटरटी आमर एतिकी बहलिया रहिबा दरकार। एबे आमे स्वाद अनुसार हाफ चम्मच लुण दे दबा एवं आउ टिके भल भाव रे मिक्स करि दबा। एबे आमे साधा चितो तयारी करबा। गैस ऑन करी गोटिए गहिरिया कढ़ई बसेबा। कढ़ई टी एपरि गहिरिया हेले भल। एबे सामान्य तेल लगे दबा पूरा अल्प टिके। तेल लगे सारला परे हाई फ्लेम रे कढ़ई की भल भाव रे गरम करबा। कड़ई गरम हो जाए गोटे डंकी ब्याटर यहपरी देदबा एवं सांगे सांगे कभर देदबा। कभर देला 30-40 सेकेंड भितर आम 2 चम्मच पानी चारिपटू यहपरी देदबा। तार गोटे 2 मिनिट पर आम कभर खोली देखा। देखु 2 मिनिट हो जामर चितो पिठाटी के सुंदर फुली जा पूरा जालीदार परफेक्ट चितो पिठा। ये चितो पिठा बहुत नरम हो तार जाली आप जापर चितो पिठाटी के स्पंजी आ मुलायम या एही प्रणाली रे आमे सब चितो पिठा गुड़िक साधा चितो करनबा। एबे नड़िया पुर दिया चितो पिठा तैयारी करबा। प्रथमे आमे नड़िया पुर तैयारी करबा। नड़िया पुर तैयारी करिया पई मु गोटिए नड़िया को कोरीकी एही परि रखिछि। कोराटी एही परि पतला हले नड़िया पुर भलो होइथाय। एवं गोटे लिटर क्षीर को मु छिड़ेकी छेना करिकी रखिछि। आपण खाली नड़िया रे मध्य करि परिबे किंतु मु छेना से पकोची। तापई मु पाखापाखी 100 ग्राम गुड़ नहीं गोटे चमच पान बुधरी नहीं किछि गुजराती आउ किछि गोलमरीचर गुंड नहीं। गैस ऑन करी प्यान बसाइबा। फ्लेम को मीडियम रखिबा। एबे नड़िया कोरा को देदबा एवं तापरे गुड़ को देदबा। गुड़ दे मीडियम फ्लेम रे 2 मिनिट नड़िया को भाजिबा। नड़िया आमर हल्का भाजी हो जाइछि। एबे आमे सब छेना को देदबा। क्षीरु अति सहज प्रणाली रे किपरि छेना तयारी हुए मु रसगोला रेसीपी रे देखेछि। आपण रसगोला रेसीपीटी मोर जदि देखिबे ताले क्षीरु किपरि सहज प्रणाली रे छेना तयारी हुए जानि परिबे। मीडियम फ्लेम रे छेनारु पानी मरिबा पर्यंत आमे भल भाबरे भाजिबा।
छेना नड़िया आमर पूरा बहुत बढ़िया भाव में तैयारी हो जाए। आम गुजराती गोलमरीच गुंड टिके देदबा, गैस बंद करदबा और सबको भल भाव मिक्स करदबा। सुपर टेस्टी सुस्वादु छेना नड़िया पूर तैयारी होगला। एबे आम प्लेट रे रखिदबा। एबे आम छेना नड़िया पूर दे चितौ तैयारी करबा। पूर्वपरी गैस रे कड़ेटी बसेदबा, फुल फ्लेम रे कड़े की भल भाव गरम कर टिके नाकुरु ऑयल लगेदबा। एबे कड़ाई रे गोटे डंकी बैटर दबा। देखंतु बैटर दो दो केपरी जाली भलिया होई गलानी, केते सुंदर बैटर टी हमर फॉर्मेट होई छी। एबे एबे नड़िया ओ छेनारो पूरा को भल भाबरे दे दबा एवं कभर दे दबा। 30 रु 40 सेकंड परे 2 चम्मच पानी दे दबा एवं 2 मिनिट परे आमे कभर खोली देखिबा। पाखापाखि 2 मिनिट होई गलानी। देखंतु आमर छेना नड़िया पूरा दिया चितो पिठाटी केते सुंदर दिसुची, बहुत बढ़िया बाबरे तैयारी होईची, पूरा बढ़िया बाबरे दिया जायची। एही पर आमे सबु छेना नड़िया पूरा चितो करिनबा। एहीपरी छेना नड़िया पूर दे चितो पिठा तैयारी करले चितो पिठा बहुत टेस्टी नरम लगी थाए। आपण तैयारी करी खाइले जानि परिबे जे एहे केते सुस्वादो ओ टेस्टी। एबे आमे खीरो चितो पिठा तैयारी करिबा। एही खीरो चितो पिठा तैयारी करिबा पई मु हाफ लीटर खीरो नै छी, 4 चम्मच चीनी नै छी, टिके गुजराती एवं गोलमरीचर गुंड नै छी। गैस ऑन करी प्यान बसाइबा, फ्लेम को हाई रखिबा, प्यान को गरम होबा को दबा। प्यान गरम होई गलानी एबे खीरो को दे दबा एवं चीनी की दे दबा। मु 4 चम्मच चीनी दे छी, आपण अधिका मीठा खाउतले अधिका चीनी ऐड करि परंदी। एबे सबकु फुल फ्लेम रे 5 मिनिट फुटेबा। खीरो फुटी जाय छी, एबे हमें गोलमरीच गुजराती रो गुंड को दे आउ 5 मिनिट फुल फ्लेम रे फुटेबा। खीरो हमर फुटी जाय छी, एबे गैस को बंद करि दबा। खीरो को अधिका फुटाई कम करिवे नाही। एबे पूर्व परि गैस ऑन करी आमे कड़ेटी बसेबा, कड़े की फुल फ्लेम रे गरम करिबा एवं टिके तेल लगे दबा। एबे गुटिए डंकी बैटर दबा, सांगे सांगे कभर दे दबा। 30 रु 40 सेकंड परे 2 चम्मच पानी चारि पटु एही परि दे दबा। 3 मिनिट परे कभर खोली देखिबा। देखंतु आमर चितो पिठाटी केते सुंदर फुली जायछि, पूरा कणा कणा हो जायछि। सबु चितो पिठा गुडी को एही परि आमे करिनबा। एबे आमे गरम गरम चितो को गरम गरम खीर रे आमे दे दबा एवं कभर दे 15 रु 20 मिनिट रखि दबा। आपण गरम गरम खीर रे चितो को आपण सर्व करि परंती, नहले जो माने ठंडा चितो खाइबा को भल पांदी से माने फ्रिज रे भी 10 मिनिट रखि सर्व करि परिबे। एही खीर चितो पिठा खाइबा को एते टेस्टी, आपण थरे तयार करि खाइले जानि परिबे बहुत सुस्वादु नरम एवं स्पंजी होइथाय। आपण एही प्रणाली रे थरे खीर चितो पिठा तैयारी करंतु एवं खाई आपणकर अनुभूति शेयर करंतु। मु खीर चितौरु गोटे चितौ आपणकु काटिकी देखौछि। देखंतु केते भल भाबरे खीर आबजर्व करिछि। चितौटी पूरा स्पंजी थिला सेति पे भल भाबरे खीर आबजर्व करिछि। एही खीर चितौ खाइबाकु बहुत सुस्वादु लागिथाय। आपण एही प्रणाली रे तीन प्रकार चितौ पिठा एही चिता लागि अमावास्या रे तयारी करि खांतु एवं किपरि लागिला आपणकर अनुभूति कमेंट बॉक्स रे जणांतु। मोर यूट्यूब चैनल को जदि सब्सक्राइब करिनांति तबे प्लीज सब्सक्राइब करि बेल आइकन को क्लिक करि दियंतु, जहाँ नुआ नुआ रेसिपी नोटिफिकेशन आपणों पाखे तुरंत पहुँची पार। किपरी लगला आपणकर अनुभूति कमेंट बॉक्स रे जणाइबा कि अनुरोध रहुछि। नमस्कार।